श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि आज श्री स्तुति के 11वां श्लोक हम पढ़ने वाले समझने वाले हैं। श्लोक इस प्रकार है, धत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराद्यां तन्वी तुंगस्तनभरणता तप्तजाम्बूनदाभां यस्यां गच्छन्त्युदयविलयैः नित्यमानन्दसिन्धौ इच्छावेगोल्लसितलहरी विभ्रमव्यक्तयस्ते। धत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्ति ही आद्या तन्वी तुंगस्तनभरणता तप्तजाम्बूनदाभा यस्याम गच्छन्ति उदयविलयैः नित्यम आनंदसिन्धौ इच्छावेगोल्लसितलहरि विभ्रमव्यक्तयः ते। इच्छावेगोल्लसितलहरि विभ्रमं व्यक्तयः ते, ऐसा पदच्छेद है। श्लोक फिर से एक बार पढ़ेंगे। धत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराद्यां तन्वी तुंगस्तनभरणता तप्तजाम्बूनदाभां यस्यां गच्छन्त्युदयविलयैर्नित्यमानन्दसिन्धौ इच्छावेगोल्लसितलहरी विभ्रमं व्यक्तयस्ते। इस श्लोक में अत्यंत उत्कृष्ट लक्ष्मी जी का मूलभूत स्वरूप, उसमें से लक्ष्मी जी का अवतार, अनेक प्रकार के अवतार, और अवतार का काम होने के बाद फिर से लक्ष्मी जी के स्वरूप में समाहित हो जाना, इस प्रकार भगवती लक्ष्मी जी का जो मूलभूत स्वरूप है, परस्वरूप है, और उसमें से अवतार स्वरूप होते हैं, ऐसा वर्णन इसमें किया जाता है। एकदम शास्त्रीय बात है, परंतु शास्त्रीय बातों को स्तोत्र के जरिए समझाना वेदांत देशिक जी की एक खूबी है। पांचरात्र आगम कहते हैं भगवान को एक परमूर्ति है, परवासुदेव मूर्ति जिसे कहते हैं, श्री वैकुंठ में रहने वाला जो भगवान की मूर्ति है वही मूल मूर्ति है, आद्य मूर्ति है, आद्या मूर्ति कह सकते हैं, जिसमें से ही रामकृष्णाद्य अवतार मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह इत्यादि अवतार होते हैं। उनका जो संकल्प है, मूलभूत जो परवासुदेव भगवान का संकल्प से इतने अवतार होते हैं, अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, उनके संकल्प के बिना किसी का भी जन्म नहीं होता है इस दुनिया में। दुनिया का भी जन्म उनका संकल्प से ही होता है, और स्वयं भी अनेक अवतार के रूप से जब प्रकट करते हैं उस परवासुदेव मूर्ति में समाहित जो भगवान हैं, अर्थात परवासुदेव मूर्ति में विराजमान जो भगवान है, उनका संकल्प से अनेक प्रकार के अवतार होते हैं और लीलाएं होते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी के लिए भी एक परमूर्ति है जिसमें से ही अवतार होते हैं, ऐसा कहने के लिए ये श्लोक प्रवृत्त हुआ है, और उसे एक सुंदर दृष्टांत के जरिए भी समझाते हैं। इस श्लोक का अन्वय सहित अर्थ इस प्रकार समझना है, तप्त जाम्बू नदाभा जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, तप्त जाम्बू नद आभा अर्थात आग में अच्छी तरह पिघलाया गया जो सुवर्ण है, उसकी जो शोभा है, उसका जो रंग है, उस रंग में रहने वाली लक्ष्मी जी की मूर्ति है, और
इस प्रकार उसका वर्ण कहने के बाद उनका स्वरूप वर्णन करते हैं। तुंगस्तनभरणता, ये मूलभूत भगवती का स्वरूप है। वो तप्त जाम्बूनद आभा, अर्थात आग में पिघलाया गया जो सुवर्ण है, उसका रंग जिस प्रकार चमकने वाला सुवर्ण का रंग है, उस प्रकार की प्रकार का रंग है लक्ष्मी जी की मूर्ति का। और तुंगस्तनभरणता मूर्ति ही अपने शरीर सौष्ठव, अंग सौष्ठव की वजह से थोड़ा सा विनम्र भाव से रहने वाली मूर्ति का मूर्ति है लक्ष्मी जी की मूर्ति। और तन भी बहुत पतली मूर्ति है। इस प्रकार की जो आद्यातव की मूर्ति, आपकी जो परम मूर्ति है, पहले पहल जो रहने वाला, पहले से रहने वाला वाली जो मूर्ति है, वो भगवान का जो काला रंग का भगवान का स्वरूप है, परवासुदेव भगवान का स्वरूप है, उसमें हरि मरकते, मरकत करके एक नवरत्न में से एक है, उस प्रकार वो भी एक ब्लैक ग्रीन जैसा है, वैसा रंग है। उस भगवान के स्वरूप में नित्यम शोभाम धत्ते, ये जो लक्ष्मी जी की तप्त जाम्बूनदाभा मूर्ति है, सुवर्ण प्रतिमा मूर्ति है, ये अत्यंत शोभा को देती है, जिसे वेदांत देशिक जी और लक्ष्मी विद्युल ललित वपुषम शब्द से हंस संदेश में भी वर्णन करते हैं। अर्थात बादल के बीच में अगर बिजली हो तो जो जैसे चमकेगी, बादल से बिजली, बिजली से बादल, दोनों की एक दूसरे की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी की वजह से भगवान की और भगवान की वजह से लक्ष्मी जी की मूर्ति की शोभा बढ़ती है, ऐसा कहते हैं लक्ष्मी विद्युल ललित वपुषम ऐसा शब्दों से। उसी प्रकार इधर हरिमरकते नित्यम शोभाम धत्ते, हरिमरकते भगवान की मूर्ति में हरिमरकते अर्थात हरि रंग में रहने वाला जो मरकत जैसा, हरिमरकत जैसा जो डार्क ग्रीन है, उसमें भगवान का भगवान लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की जो सुवर्ण जैसे मूर्ति और अत्यंत शोभा को धारण करती है, ऐसा कहकर और आगे ये कहते हैं आनंद सिंधव यस्याम, जिस लक्ष्मी जी की मूर्ति एक आनंद समंदर जैसा बहुत ही सुंदर है, और आनंद समंदर जैसा रहने वाला जो वाली जो मूर्ति है लक्ष्मी जी की मूर्ति, उसमें से मूल मूर्ति से यस्याम ते व्यक्तयः, जिसमें से जिस विग्रह से, दिव्य मंगल विग्रह से, जिस मूर्ति से आपका जो अवतार होते हैं वो उदय होते हैं और बाद में उसी मूर्ति में समाहित हो जाते हैं, अपनी लीलाएं, अवतार लीलाएं समाप्त करते वक्त उसी जो मूल मूर्ति में समाहित होते हैं। ये कैसे होते हैं कि इच्छा वेग अर्थात भगवती लक्ष्मी जी का संकल्प की वजह से और प्रेरित होकर, इच्छा रूपी जो वेग है, त्वरा है, उससे प्रेरित होकर उल्लसित लहरी विभ्रम व्यक्तयः, विभ्रम विभ्रमं गच्छन्ति, अर्थात उसमें एक हवा होती है, इच्छा रूपी हवा है, इच्छा रूपी हवा से प्रेरित जो लहरियां हैं, लहरें हैं, उस लहर का जो सौंदर्य है, उस प्रकार का सौंदर्य को ये अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार जो होते हैं वो, और लहर जैसे विराजमान है, अर्थात परवा परमूर्ति जो लक्ष्मी जी की परमूर्ति है वो एक आनंद समंदर है, तो उनका संकल्प ही एक हवा है, तो उस अवतार दिव्य मंगल विग्रह जो है वो, और ये उससे प्रेरित, उस हवा से प्रेरित लहर जैसे हैं, ऐसा वर्णन
इस श्लोक में किया गया है। अर्थात लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से अपने मूलभूत स्वरूप से अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, जो देखने के लिए आनंद सागर में अर्थात आनंद रूपी सागर समंदर से हवा इच्छा रूपी हवा से निकली लहरों की जैसी आपके दिव्य मंगल विग्रह अर्थात अवतार विग्रह चमकते हैं। और वो बाद में अवतार लीलाओं को समाप्त करते वक्त उसी मूलभूत स्वरूप में समाहित होते हैं। इसे कहने के लिए उदय विलय ही विभ्रमं गच्छन्ति। उदय विलय अर्थात वहाँ से उदित होते हैं, वहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसी में समाहित होते हैं, विलय होते हैं। उस प्रकार का कि जो आपकी मूलभूत स्वरूप से अवतार होते हैं, जो इस प्रकार उदाहरण सहित वर्णित है इस श्लोक में। अर्थात लक्ष्मी जी की स्तुति का ये विषय कैसे अंग है कि इतनी बड़ी जो मूर्ति है आपकी दिव्य मंगल विग्रह है, ऐसा बोलना ही भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति है। अर्थात इतना वो तप्त स्वर्ण जैसा, तप्त स्वर्ण अर्थात आग में पिघलाया गया सुवर्ण जैसा बहुत चमकने वाला वाली जो आपकी मूर्ति है, एक विषय है। और आपकी इच्छाओं की वजह से, आपके संकल्प की वजह से अलग अलग स्वरूप को लेने का सामर्थ्य आपके पास है। और लीलाओं में भी अनेक प्रकार के भक्तों को रक्षण करने के लिए अवतार लेते हो, और उसी प्रकार श्री रंग क्षेत्र में रंगनायिका के रूप से आप एक अवतार लेकर इधर स्थिर रूप से हमारे लिए आराध्य बनकर रहती हो। इतना अर्थ को गर्भित करके ये श्लोक धत्ते शोभाम हरिमरकते तावकी मूर्तिराद्याम तन्वी तुंगस्तन भरणता तप्त जाम्बूनदाभाम यस्याम गच्छन्त्युदय विलयैहि नित्यमानंद सिंधौ इच्छा वेगोल्लसितलहरी विभ्रम अव्यक्तयस्ते। और इस ये सबसे चमकने वाला पदार्थ ये है, इसमें वो लक्ष्मी जी की मूर्ति भगवान के बड़ा जो काला मूर्ति है उसके बीच में चमकने वाली है। ये पतली मूर्ति है, बिजली जैसी है, बिजली जैसे बादल के बीच में चमकता है, उसी प्रकार भगवान के स्वरूप के बीच में हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत अस्रजाम ऐसा जो वेद वर्णन करता है हिरण्यवर्णाम, ऐसा उसी के आधार पर यह श्लोक भी भगवती लक्ष्मी जी का स्वरूप का वर्णन करते करते उसके द्वारा भगवती की स्तुति में पर्यवसान होता है इस श्लोक का। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।